विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबर आजम का बल्ला। क्या बात है, शायान को इतना लंबा होटल मिल गया कि यहाँ पे बॉलिंग की प्रैक्टिस भी हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, सुबह के 9 o'clock हुए हैं और इस वक्त मैं जागा हूँ, काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जबरदस्त थकान हो गई थी पिछले 2-3 दिनों से। कोई है नहीं घर में, मस्ती चल रही है। सुबह नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए और रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं लंच के लिए। यहाँ पे बढ़िया नॉर्थ इंडियन डिशेस मिलते हैं, बट आज हम लोग थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कुछ और ढूंढने की। अगर नहीं मिला तो ये ऑप्शन तो है ही। काफी अच्छा मार्केट लग रहा है, लाजपत नगर टाइप। बढ़िया शॉप्स हैं यहाँ पे है? बिल्कुल लाजपत नगर की फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे सुपर सेल भी चल रहा है। शायान के लिए शूज मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्लॉथ्स हैं, ज्वेलरी है। मॉल है कुछ नहीं। हाँ, काफी अंदर तक आ गए हैं चलते चलते, लेकिन अभी तक कोई भी नॉर्थ इंडियन फूड की शॉप मिली नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं। शायान का पहला ऑर्डर आ गया है, वेज पुलाव विथ रायता। आर यू हैप्पी? शायान ही चूज कर रहे हैं सारे के सारे डिशेस। और शॉप अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे स्ट्रीट को, तो यहाँ पे शायान ने हमें दिखाया। बहुत बढ़िया साफ सुथरा रेस्टोरेंट, चलिए एंजॉय करते हैं। कैसा है टेस्ट? गाइस, शायान ने तो ओके कर दिया है, अब मैं भी ट्राई करता हूँ और फिर मैं बताऊंगा इसका टेस्ट। आप रियली नाइस वेज पुलाव विथ रायता। शायान ने अब मंगवाया है लेमन पुदीना। बहुत ही शानदार टेस्ट, बिल्कुल सादा खाना चाहिए था, खाना भी बिल्कुल सादा मिला है और ये भी बिल्कुल रिलैक्स देने वाला है पेट को। कैब आ गई है अब। बेंगलुरु को एक्सप्लोर करने निकले हैं, अभी शाम की प्रैक्टिस है शायान की, तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम मिला है लंच के बाद, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। मजा आ रहा है शायान? हाँ। हाँ? मजा तो आ रहा है, लेकिन मम्मी को और सिस्टर्स को मिस भी कर रहा है साथ में, और वो लोग वहां इसके पिक्स देख देख के सारे पिक्चर, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब भेजता रहता है। वैसे तो वीडियोस आ ही जाते हैं यूट्यूब पे, बट स्पेशल जो वहां नहीं आता है वो शायान सीधा भेज देता है। आज तो और भी जबरदस्त मौसम ने करवट ली है, बादल चारों ओर फैले हुए हैं और हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हम अभी ठंड में, जैसे अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का मौसम होता है, वैसा मौसम यहाँ पे। हम लोग पहुंचने वाले हैं अलसुरु लेक। आज शायान का दिल कर रहा है घूमने का प्रैक्टिस से पहले, तो लंच के बाद हम लोग निकल गए हैं। तो दूर से नजारा दिखा रहे हैं, पर अब थोड़ी देर में हम पास से भी दिखाएंगे आपको। हम लोग अलसुरु लेक घूमने पहुंच गए, बट अभी 3:10 हुए हैं और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो सुबह की 5 से 10 है और शाम की 4 से 7 है। तो अभी हमें 50 मिनट्स निकालने पड़ेंगे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम लोग किसी कैफे में चलते हैं और थोड़ा सा शायान को कुछ और नया टेस्ट दिलवाते हैं। चलिए
किचन कॉफी कारा बाय द लेक। बहुत टेस्टी, पसंद आ गया। चलो हमारा टाइम भी निकल जाएगा, अभी 4 बजे हमें जाना है लेक के अंदर, एंट्री है, तो उससे पहले अच्छा टाइम पास भी और शायान का फेवरेट ओरियो मिल्क शेक भी। और ये है मेरे लिए वनीला मिल्क शेक, शानदार। अभी हम बेंगलुरु में बहुत सारा टूर करना है और होटल्स भी एक्सप्लोर करना है और उसके साथ साथ यहाँ के जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी जाने का प्लान कर रहे हैं। देखते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली, शायद की प्रैक्टिस इतनी होती है लेक के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सुहाना मौसम और हम आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का। लेक पहुँच गए हम लोग, बहुत जल्दी पहुंच गए थे एक्चुअली, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉय किया। शेक वगैरह बहुत पसंद आया शायान को, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव था बट इतने बड़े शहरों में तो होता ही है, कोई नहीं, मज़ा आया, बहुत शानदार बना हुआ था। और अब थोड़ा सा हम इस लेक को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे यहाँ पे, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या क्या है, बोटिंग वोटिंग भी होती है क्या, वो तो पता चलेगा अंदर जाने के बाद ही। ये क्या मोटर बोट है, क्या है? मोटर बोट नहीं है, वो लाइट्स है। लाइट्स है, लाइट्स लग रहे हैं शायद, पता नहीं क्या है। चलो आगे देखते हैं। शाम को बहुत सारे लोग होते हैं, मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा था बहुत सारे लोग होते हैं शाम को यहाँ पे, वॉकिंग करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही कूल फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बीच में देखो, लेक के बीच में बिल्कुल वो बना हुआ है, एक ऐसा लगता है गार्डन जैसा, वहाँ पे जाने का भी कुछ फैसिलिटीज़ है क्या, पता करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही शांत शहर है। बरसात के फौरन बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मतलब लाजवाब, शाम को और सुबह में ठंडी लगती रहती है, हल्की हल्की ठंडी होती है। कई लोगों को तो मैंने देखा है इवनिंग सेशन में स्वेटर पहन के पेरेंट्स आए थे, तो बहुत ही शानदार मौसम है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं दिल्ली से आया तो वहाँ पे इतनी उमस और गर्मी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही टाइम पे हम यहाँ पे आए। गाइस, लेक तो ये बहुत सुंदर है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं वॉकिंग के अलावा, सो हम लोग जस्ट वॉकिंग कर रहे हैं। वार्म अप तो यहीं पे हो जाएगी, इतना लंबा चौड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है बहुत दूर में, तो शायान को आज वार्म अप की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। काफ़ी लंबी दूरी तय करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा सा एक मंडप सा बना हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हम आ गए हैं अब साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में। रास्ते से गुजर रहा था तो देखा यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्लब, तो छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। उधर बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे कैफे है, इस तरफ सीनियर्स की प्रैक्टिस का इंतजाम है। बहुत ही सुंदर क्लब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये फुटबॉल के लिए, फुटबॉल प्रेमियों के लिए। शाम के 4:30 हो गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स शॉप में। दिखाना कितना है इसका MRP? 14,900 MRP है। ये C8 का बैट है, काफी अच्छा ग्रेन से इसमें है ना।
शायान के ही साइज का है, 6 नंबर से खेलते हैं शायान, और ऑलमोस्ट 14,000 का, ग्रेन्स बहुत प्यारे हैं शायान। इसका पिंग भी चेक कर रहे हैं थोड़ा सा, देखते हैं अगर शायान का मन बन गया तो ले भी सकते हैं। रोहित शर्मा का बैट है तो शायान का दिल तो आ ही जाएगा, एक C8 पे और एक MRF पे है ना, विराट कोहली एडिशन। MRF बैट देखना शुरू किया, इसके ग्रेन्स दिखाओ, क्या बात है, शानदार ग्रेन्स है यार। इसकी MRP कितनी है? 15,199। इसकी पिंग दिखाओ जरा। अगर शायान को कोई भी बैट पसंद आ गया तो आज मिलने वाला है। बचपन में SG से बहुत खेले हैं, इसमें भी बहुत शानदार ग्रेन्स हैं, आप पास से देख सकते हो। इसकी MRP बताओ शायान अपने दोस्तों के लिए। 20,399। और इसकी पिंग दिखाओ जरा, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया यार। लगे पहले इसके ग्रेन्स दिखाओ, ये जडेजा वाला है, रविंद्र जडेजा का एडिशन है, और इसका ग्रेन्स दिखाओ पहले। ग्रेन्स भी बहुत प्यारा ग्रेन्स है यार, बहुत ही शानदार ग्रेन्स। और इसकी MRP 17,000। और पिंग दिखाओ, बढ़िया है। मसूड़ी का हेलमेट है ना, श्रेय। इस पर रेट लिखा है कितना है देखो, नहीं ये कोकाबुरा का, शानदार हेलमेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबर आजम का बल्ला आ गया है अब शायान के हाथ में। अब शायान से पूछेंगे विराट कोहली का बल्ला अच्छा है या बाबर आजम का। सबसे पहले तो इसके ग्रेन्स दिखाऊं, अच्छी ग्रेन्स है। और प्राइस क्या है इसकी? 9,500। अच्छा, थोड़ा लो बजट में है। इधर थोड़ा सा पिंग भी दिखा दो इसकी, ग्रे निकलस का ये बल्ला है, शानदार बल्ला। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ऑब्वियसली विराट कोहली। तो शायान का जो ऑब्वियस चॉइस है वो है विराट कोहली, जीनियस एडिशन, शानदार बैट। अब डिसाइड करेंगे शायान लेना कौन सा है, दोनों में कंपैरिजन तो हो गया। वैसे SG वाला भी बहुत पसंद है शायान को, काफी दिनों से तलाश थी इस हैट की, तो बहुत ही सुंदर हैट, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा है। अभी चेक करते हैं, अगर मिल गए तो शायान के लिए तो ये पक्का है। MRF का ये कैप भी बहुत प्यारा है। अब शायान को डिसाइड करना है MRF और श्रेय। वैसे हैट की ज़रूरत है शायान को, वाइट में तो साइज़ ही अवेलेबल नहीं है, बट ये प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा हैट डाउन करके दिखाओ, श्रेय का ये हैट बेहतरीन हैट है। कितना है MRP दिखाओ इसमें? 599। ओके, डन कर दें। ये तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए है ना, कौन सा बेटर है तुम्हें क्या लगता है? हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारा रोल मॉडल है विराट कोहली, तो वही होगा। एनीवे, शायान ने आज फाइनल किया है ये हैट। अभी शॉपिंग के लिए आए नहीं थे, घूमने आए थे, लेकिन शायान ने फाइनल कर लिया। एनीवे, तो हम लोग इसको डन करते हैं फिलहाल, है ना। चलो, शाम के 6 बजे हैं और शायान निकल पड़े हैं नाइट सेशंस के लिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल अलग तरीके से चाय बनते हैं यहाँ पे, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने जितनी भी चाय पी अभी तक उसमें सबसे बेटर है। तो यहाँ पे काफी दूर से आए हैं चाय पीने के लिए, शानदार चाय का आनंद लेने के बाद अब एक बार फिर से मैं शायान को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि शायान का सेशन भी अब आधे घंटे तक ओवर हो जाएगा। इनका जो सेशन था वो ओवर हो चुका है, रात के 9 बजे हैं, और अब शायान अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। शायान एक बार फिर से निकल पड़े हैं एक और नए शानदार रेस्टोरेंट की तलाश में।
हर रोज कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी हो रही है। नाइट सेशन के बाद अब रात के 9:30 हो गए हैं। शायान के रोल मॉडल विराट कोहली, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है मान्यवर का जबरदस्त शोरूम। एक और नए स्ट्रीट में आज हम लोग दाखिल हुए हैं। बहुत ही नैरो और बहुत ही बिजी स्ट्रीट। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट शायान को दिखा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। शोरमा है। शायान थोड़े से सैड हो गए क्योंकि शोरमा खत्म हो चुका है, जो शायान जिसके लिए इस होटल के अंदर आए थे। और एनीवे हम लोग नई चीज़ें ट्राई करते हैं ना शायान, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा डिले हो गया आज। पहले आया है स्टार्टर चिकन अल फार्म, ट्राई करो कैसा है बताओ। अच्छा, पसंद आया? हाँ। गुड, नाइस, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब शायान ने मंगवाया है चिली चिकन और केरला पराठा, तो ये तो मेरे को बहुत टेस्टी लगा और आपका खाना भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। चिकन चिल्ली और केरला पराठा अब शायान ट्राई कर रहे हैं, कैसे है शायान ये बताओ। ये भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आजकल हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया फूड ट्राई कर रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। शायान भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, शायान को इतना लंबा होटल मिल गया कि यहाँ पे बॉलिंग की प्रैक्टिस भी हो गई है। हम लोग काफी लेट से आए इसलिए बिल्कुल अकेले बैठे हैं, यहाँ पे बिल्कुल खाली है। अभी यहाँ पे पार्टी चल रही थी थोड़ी देर पहले। शायान का लास्ट ऑर्डर भी आ गया है, लाइम सोडा। अब शायान ही हमें बताएंगे कि भाई लाइम सोडा कैसा लगा शायान को। अब हमारा फाइनल सेशन चल रहा है डिनर का। हैवी फूड के बाद ये जरूरी भी था ताकि थोड़ा सा हल्का फील हो जाए। अभी यहाँ से वॉकिंग भी काफी लंबी है होटल तक, तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। रात के 10:30 हो चुके हैं और अब हमारी डिनर भी कंप्लीट हो गई है। एक और शानदार दिन गुजरा है, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा शायान का, बहुत मजा आ रहा है। काफी अच्छा सीजन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त हर रोज की तरह। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो शायद सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।